हाय गाइस, आज की क्लास में डिस्कस करते हैं फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग में क्या रिलेशन होता है। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन फॉर बियरिंग एंड बैक बियरिंग, कि कैसे अगर हमें किसी लाइन की फॉर बियरिंग दे रखी हो तो उसे बैक बियरिंग में कैसे चेंज करेंगे। अगर वो रीडिंग हमारे WCV में है तो उसमें हमें फॉर बियरिंग की बना है तो बैक बियरिंग से कैसे हमें रिप्लेस करना है, या फिर अगर हमें क्वाड्रेंटल बियरिंग दे रखी है और उसमें हमें अगर फॉर बियरिंग गिवन है तो हमें बैक बियरिंग कैसे निकालनी है। तो इन्हीं टॉपिक पर आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिख दिया एक फार्मूला यहाँ पर कि बैक बियरिंग का फार्मूला होता है फॉर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। तो हम स्टार्टिंग में सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं आखिर ये फार्मूला आया कहाँ से है, क्यों फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग में 180 का डिफरेंस होता है। तो आप पहले तो यही समझ जाइए, नोट नंबर वन हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये हो गया कि फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग में हमेशा 180 डिग्री का डिफरेंस होगा। पर ऐसा क्यों है उसको डिस्कस करते हैं, फार्मूला आखिर बनाया कैसे है तो उसको डिस्कस करें। देखें, हमारे पास कोई एक लाइन ले लेते हैं ए बी रेखा, यहाँ पर कोई ए बी लाइन है, यहाँ पर ए बी लाइन ले ली और मैं लिख भी दिया यहाँ पर कि फॉर बियरिंग ऑफ ए बी हमें गिवन है 30 डिग्री। सपोज कर लेते हैं कि 30 डिग्री का हमारा फॉर बियरिंग गिवन है इस ए बी लाइन का। तो फॉर बियरिंग क्या होती है, वर्किंग डायरेक्शन में, यानी हमारी जो कार्य की दिशा है, हम डिसाइड कर रहे हैं कि वर्क हमारा ए बी बोला गया है तो यहाँ इसका मतलब है कि वर्क ए से बी की तरफ किया गया है। इससे पहले जो मैंने जस्ट इससे पिछला लेक्चर बनाया उसमें मैंने बताया है कि फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग को हम कैसे समझें। तो गाइस, इस लेक्चर को देखने से पहले आप जरूर मेरा इससे पहले वाला लेक्चर जिसमें मैंने बताया है कि फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग को हम कैसे पहचान सकते हैं, कब हम फॉर बियरिंग कहेंगे कब बैक बियरिंग कहेंगे, उसे आप जरूर देखें, उसके बाद ये लेक्चर आपको पूरा समझ में आएगा। तो फॉर बियरिंग हमारी ए बी हमें दे रखी है, फॉर बियरिंग ऑफ ए बी 30 डिग्री, यानी कि ए बी का मतलब क्या है कि वर्क हमारा ए से बी की तरफ किया गया है, यानी वर्किंग प्रोग्रेस डायरेक्शन ए से स्टार्ट हुई है और बी पर फिनिश हुई है। तो यहाँ पर हमने बोला फॉर बियरिंग हमारी ये बन जाएगी कि ए स्टेशन पर खड़े होने के बाद हमने बी की तरफ एक रीडिंग ली है जिसकी वैल्यू है 30 डिग्री, और ये बात हो रही है होल सर्किल बियरिंग में। तो आप ये भी जानते हैं कि होल सर्किल बियरिंग में हम हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को रेफरेंस मानते हुए उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हुए उस लाइन की रीडिंग हम पढ़ते हैं। तो नॉर्थ से चले हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और इस ए बी लाइन तक की रीडिंग हमारी ए बी आए 30 डिग्री। तो अब इसकी बैक बियरिंग कैसे निकालेंगे, देखिए बैक बियरिंग क्या होगी, हम ये इस स्टेशन पर जब आ जाएंगे तो वर्किंग प्रोग्रेस डायरेक्शन के अपोजिट, देखिए बैक बियरिंग का मतलब क्या है, वर्किंग प्रोग्रेस डायरेक्शन के अपोजिट ली गई रीडिंग, तो उसे हम बैक बियरिंग कहते हैं। तो वर्किंग यहाँ पर हम आ गए तो वर्किंग डायरेक्शन तो हमारी ऐसे चल रही है और आगे रीडिंग लेते तो फॉर बियरिंग होती। लेकिन अगर हम इसी स्टेशन पर खड़े बी स्टेशन पर खड़े होने के बाद और अगर वापस हम एक ही रीडिंग लें तो वर्किंग प्रोग्रेस डायरेक्शन हमारी ये है, वर्किंग प्रोग्रेस डायरेक्शन हमारी ये चल रही है। तो इस दिशा में जब तक रीडिंग लेते जाएंगे फॉर बियरिंग आती जाएंगी, लेकिन अगर हम जब कभी भी हम इस रेखा इस डायरेक्शन का उल्लंघन करेंगे तो ज़रूर वो हमारी बैक बियरिंग में काउंट होगी। तो जब हम यहाँ आए और यहाँ आने के बाद हमने वापस ए की तरफ, यानी वर्किंग प्रोग्रेस डायरेक्शन ऐसे है और उसके अपोजिट में हम रीडिंग ले रहे हैं, तो ये वाली जो रीडिंग होगी वो हमारी कहलाएगी बैक बियरिंग ऑफ बी ए नाइन, बॉग बियरिंग ऑफ ए बी। क्यों, सर्वे में एक बार वर्किंग प्रोग्रेस डायरेक्शन के साथ साथ ही हम नेमिंग करते हैं, फिर उसको हम कभी भी ए बी को बी ए नहीं कहेंगे क्योंकि वर्किंग प्रोग्रेस डायरेक्शन है ए से बी की तरफ। तो इस लाइन का चाहे वर्क इधर से इधर की तरफ हो या इधर से इधर की तरफ हो, इस लाइन का नाम हमेशा ए बी ही होगा क्योंकि ए बी का मतलब है वर्किंग ए से स्टार्ट हुई है बी पर फिनिश हुई है। तो यहाँ पर अब हम चल रहे हैं इस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए कि ए से हमने रीडिंग ली है बी की तरफ 30 डिग्री फॉर बियरिंग और इसकी बैक बियरिंग निकालने के लिए अब हमने बी पर खड़े होने के बाद में ये रीडिंग हमने पढ़ी, तो ये रीडिंग हमारी क्या होगी, ये होगी हमारी बैक बियरिंग ऑफ ए बी। तो अब कैसे आया ये फार्मूला देखिए ज़रा। अब आप बताएंगे कि यहाँ से मैंने इस लाइन को एक्सटेंड कर लिया, कौन सी लाइन, जो पीछे चलती हुई लाइन आ रही है उसी को। अब ये दोनों पैरेलल लाइन है क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन है, ये भी नॉर्थ डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो जब इस लाइन और इसके बीच का एंगल 30 डिग्री ये वाला होगा तो क्या इस लाइन और इस लाइन के बीच में 30 डिग्री ये वाला नहीं होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। अब इस 30 डिग्री के बाद अब हम इसकी बात करें, ये जो लाइन चल रही है यहाँ से, तो ये सीधी लाइन है, इसका कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री का एंगल।
तो अगर हम दोनों को जोड़ दें तो टोटल हमारा जो एंगल बनता है ये वाला, वो बनता है 210 डिग्री, यानी इस लाइन की बैक बेयरिंग हो जाएगी 210 डिग्री। अब हम फार्मूले का यूज करेंगे। फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला कहता है कि बैक बेयरिंग इज इक्वल टू फॉर बेयरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री, और फॉर बेयरिंग है 30 डिग्री प्लस माइनस 180 डिग्री। ये तो हमने प्रैक्टिकली देख लिया हमने कि कैसे बाई कैलकुलेशन। अब फार्मूले से देखते हैं क्या फार्मूले से भी सही वैल्यू आ रही है। तो अब यहाँ पर दो साइन है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है नोट नंबर 1 कि फॉर बेयरिंग की वैल्यू अगर 180 डिग्री से कम है तो उस केस में आप यूज़ करेंगे पॉजिटिव साइन। अगर फॉर बेयरिंग की वैल्यू 180 से ज़्यादा है तो उस केस में आप यूज़ करेंगे नेगेटिव साइन। तो अब हमारी जो फॉर बेयरिंग है वो 180 से कम है 30, तो यहाँ पर जो साइन यूज होगा वो पॉजिटिव होगा, 30 प्लस 180 डिग्री, और फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा 210 डिग्री। तो हमारा जो बैक बेयरिंग निकल के आया, बैक बेयरिंग ऑफ ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 210 डिग्री। तो अब आप समझ में होंगे कि ये फार्मूला जो बनाया है वो एक तो सही भी है, यानी बैक बेयरिंग इज इक्वल टू फॉर बेयरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री होता भी है, और कैसे होता है हमने इस डायग्राम से भी समझ लिया यहाँ पर, और हमारा फाइनल आंसर आ गया ये। अगर आप इसका जस्ट अपोजिट सोच लें, अपोजिट क्या सोचेंगे कि अगर हमारी फॉर बेयरिंग 210 हो तो हम क्या यूज़ कर लेंगे, नेगेटिव साइन, तो हमारी बैक बेयरिंग क्या आ जाएगी, 30 डिग्री आ जाएगी। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। तो रिजल्ट यही निकला कि किसी भी WCB के केस में फॉर बेयरिंग और बैक बेयरिंग में हमारा जो डिफरेंस होगा वो 180 डिग्री का होगा। इसी के चलते हुए अगर किसी भी स्टूडेंट को ये समझ में ना आए कि अगर हमारी फॉर बेयरिंग 180 डिग्री से ज़्यादा है और बैक बेयरिंग कैसे निकालेंगे, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसकी भी एक अलग से वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब बात करते हैं अगर हमारी क्वाड्रेंटल बेयरिंग आ जाए, यानी हमारी जो इन केस ऑफ क्वाड्रेंटल बेयरिंग, क्वाड्रेंटल बेयरिंग के केस में अगर किसी लाइन की रीडिंग हमारी है नॉर्थ थीटा डिग्री ईस्ट, मैंने ये तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू मान ली, और यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है, मान लो किसी एक लाइन की बेयरिंग है, फॉर बेयरिंग है N30E, क्योंकि क्वाड्रेंटल बेयरिंग में चारों डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस होता है, उसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सभी मेंशन होते हैं, तो फिर हम इसकी बैक बेयरिंग कैसे निकालेंगे। देखिए बहुत आसान है, अगर आप क्वाड्रेंटल बेयरिंग में ये आपको डिजिट है और आप बैक बेयरिंग निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, नॉर्थ की जगह आप रिप्लेस कर देंगे साउथ, और साउथ की जगह आप रिप्लेस कर देंगे नॉर्थ। यानी अगर आपको उस क्वेश्चन में साउथ है तो उसे नॉर्थ से चेंज कर दीजिए, नॉर्थ है तो साउथ से चेंज कर दीजिए, थीटा जो है उसे थीटा का थीटा एज इट इज़ रहने देना है, ईस्ट को आप चेंज करेंगे वेस्ट में, और वेस्ट अगर दे रखा है क्वेश्चन में तो चेंज कर देंगे ईस्ट में। याद रखेंगे इस बात को, अगर हमें क्वाड्रेंटल बेयरिंग में हमें क्वेश्चन दे रखा है और हमें बैक बेयरिंग निकालनी है तो उस केस में आप नॉर्थ को साउथ में, साउथ को नॉर्थ में चेंज कर देंगे, थीटा को एज इट इज़ रख देंगे जैसा है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है, ईस्ट को वेस्ट में और वेस्ट को ईस्ट में चेंज कर देंगे। तो ऐसा करने पर हमारा जो आंसर आ जाएगा वो बैक बेयरिंग वाला हमारा आंसर बन जाएगा। जैसे मैं इसको चेंज करूँ तो नॉर्थ दे रखा है तो क्या बना दूंगा यहाँ साउथ, एंगल में बिल्कुल एज इट इज़ रख दूंगा 30 डिग्री, एंड ईस्ट को रख देंगे वेस्ट। तो अगर आप चेक करना चाहें कि ये जो हमारा आंसर है सही है या गलत है, तो यहाँ पर मैं आपको एक बार चेक करके दिखाता हूँ इसको किस तरीके से हमने जो किया है। तो हमारी फॉर बेयरिंग जो दे रखी थी, फॉर बेयरिंग ऑफ लाइन कोई भी रेखा हो सकती है, वो हमें दे रखी थी 930 डिग्री ईस्ट। तो इसकी बैक बेयरिंग हमने बताई है, बैक बेयरिंग ऑफ लाइन हमारी कितनी आई है यहाँ पर, 9 की जगह साउथ और 30 की जगह 30 एंड ईस्ट की जगह वेस्ट। अब आप इसको चेंज करना, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि फॉर बेयरिंग और बैक बेयरिंग में कितने डिग्री का अंतर होना चाहिए, 180 डिग्री का अंतर आना चाहिए। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि बैक बेयरिंग और फॉर बेयरिंग में 180 डिग्री का अंतर होता है तो वो सही होगी। तो देखिए इसको प्रूव करते हैं, आप क्या करें, इस नॉर्थ इसको जो क्वाड्रेंटल बेयरिंग हमारी यहाँ पर ये है, इस नॉर्थ 30E को आप चेंज कर दें WCV में, जो कि मैं आपको सिखा चुका हूँ कि WCV में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ चेंज करके लाते हैं, हमने क्या किया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये क्या है, नॉर्थ से 30 डिग्री किस दिशा की तरफ है, ईस्ट की तरफ, और ये क्या है, क्वाड्रेंटल बेयरिंग, और WCV क्या होती है, नॉर्थ से क्लॉकवाइज एंगल, तो कितना इसकी WCV कितनी हो जाएगी हमारी, WCV आ जाएगी यहाँ पर 30 डिग्री।
लेकिन अब हम बात करते हैं इसकी, देखो इसको भी डब्ल्यू सी यू में चेंज करना है हमें। ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब ये क्या कर रहा है, साउथ से 30 डिग्री डब्ल्यू की तरफ, यानी साउथ से 30 डिग्री डब्ल्यू की तरफ। ये तो हो गई हमारे क्वाड्रेंटल बियरिंग। पर होल सर्किल बियरिंग क्या होती है, हमेशा होल सर्किल बियरिंग में हम नॉर्थ से ही मेजरमेंट करते हैं जब तक कि रेखा नहीं आ जाती है ये पूरी। तो 30 डिग्री तो ऑलरेडी ये है, और यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 180 की यहाँ से यहाँ तक एक सीधी लाइन है ये, 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री तो कितना हो जाएगा हमारा, 210 डिग्री टोटल हमारा ये बन जाएगा। तो यहाँ से कितना आया, 210 डिग्री। क्या इन दोनों के बीच में अंतर देखिए 180 डिग्री का है, जी हाँ। तो हमारे यहाँ से इसका मतलब ये है कि ये जो फार्मूला हमने बताया है वो बिल्कुल ठीक है, यानी हमारा फॉर बियरिंग बैक बियरिंग में 180 अंश का अंतर होना चाहिए, जो कि आ भी रहा है। तो अगर आपको फॉर बियरिंग और बैक बियरिंग निकालनी है डब्ल्यू सी बी के अंदर, तो आपको याद रखना है फॉर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। और अगर प्लस कब यूज़ करना है आपको, जब फॉर बियरिंग आपकी जो दी गई है वो 180 से कम डिग्री है, और अगर वो फॉर बियरिंग 180 से ज़्यादा है तो आपको नेगेटिव साइन यूज़ करना है। अगर यही चीज़ अगर हमारी क्वाड्रेंटल बियरिंग में दी जाएगी, तो क्वाड्रेंटल बियरिंग में हम क्या कर दें, नॉर्थ को साउथ से रिप्लेस कर देंगे, साउथ को नॉर्थ से, एंगल में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, ईस्ट को वेस्ट से एंड वेस्ट को ईस्ट से हम चेंजिंग कर देते हैं। तो गाइज, आप चैनल देखने के बाद में हमारे जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो आपको कैसी लग रही हैं, इस पर आप कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे फ्यूचर में जो भी वीडियोस मैं दूंगा वो आपके लिए कंपटीशन लेवल पर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी। सभी जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं कंपटीशन की, उनके सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करूँगा। तो गाइज़, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।